ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। पशुपति पारस को मंत्री बनाए जाने के बाद लोजपा कार्यालय में पूरी तरीके से जश्न का माहौल दिखा। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद सुबह से लगातार बैठक चल रहा था। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यह बैठक कर फैसला लिया गया कि बिहार के दो मंत्री बनाए जाएंगे, पशुपति पारस और जदयू कोटे से आरसीपी सिंह। जैसे इस बात की सूचना कार्यकर्ताओं और नेताओं को लगी, उसके बाद से पटना की सड़कों पर और कार्यालयों में जश्न का माहौल दिखा। कार्यालय में ढोल नगाड़े बजा रहे थे, पटाखे चलाया जा रहा था, कोई एक दूसरे को रंग और गुलाल लगा रहा था, तो मिठाई की दौड़ भी चल रहे थे। गुलाब लगाकर क्या मंत्री बनाने जाने के बाद, देखिए हम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देते हैं कि आज उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय दल के नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए हैं। इसलिए हम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहते हैं।